हेलो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मेरे चैनल में जो भी व्यूअर्स है और जो भी सब्सक्राइबर है वो सबका प्रॉब्लम एक ही है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो मेरा प्रॉब्लम है वो आप लोगों का भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं जो काम करता हूँ इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, इसलिए हम वीडियो बना के आप लोगों को बोल रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग कब तक हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, मेरा एक डाउट है, मेरा भी डाउट है, सब लोगों का डाउट है। अगर न्यू हेयर लोशन लगाते रहे तो उससे बाल आ रहा है, फिर से गिर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं करेंगे, न्यू हेयर लोशन नहीं लगाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, तो कब तक आप लोग जा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ? देखिए, ट्रांसप्लांट करना, अगर आपकी उम्र यानी आप लोग बोल सकते हैं 30 से ज्यादा हो रहा है और आपका जो बॉल्डनेस है वो काफी हद तक कम हो गया है, यानी बॉल्डनेस कम नहीं, कम का मतलब क्या होता है, अगर आपकी सर पे जो बाल है वो गिरना कम हो गया है, क्या होता है हेयर फॉल जिनका होता है आप लोग समझ नहीं सकते, बहुत हद तक प्रॉब्लम होता है। आप लोग तो समझ सकते हैं क्योंकि आप लोगों का भी हेयर फॉल होगा। तो देखिए, आप लोग इस तरह करेंगे ना, इस तरह करेंगे तो हेयर फॉल होता है। कभी भी शावर करेंगे, पानी देंगे सर पे, फिर इस तरह करेंगे, शैम्पू करेंगे, फिर हेयर फॉल होगा। आपके हाथ में बाल एकदम बहुत हद तक आ जाता है, 10 बाल 10 12 बहुत हद तक बाल आ जाता है, यानी आप लोग बोल सकते हैं 10 20 15 बाल भी गिर सकता है, बहुत सारे आदमी को गिरता है बहुत हद तक। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो इस लोगों के वजह से क्या होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट अभी इसी टाइम में अगर कर लेंगे ना, आप लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग बाल गिरना अभी बंद नहीं हुआ है, बाल गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, जब भी शावर करते हैं बाल गिरता है, इस तरह करते हैं तो बाल गिरता है, कुछ भी काम करते हैं ऐसे ही खाली खाली बैठे रहेंगे आप लोग, तब भी बाल गिर जाता है 2 4 बाल। तो आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ अभी मत जाइए क्योंकि आप लोगों को जो शेडिंग फेस है अभी भी कंटिन्यूस है, यानी आप बोल सकते हैं बाल गिर रहा है, बहुत हद तक बाल गिर रहा है। तो आप लोग ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसप्लांट के टाइम जो जो बाल गिरा है उधर ट्रांसप्लांट कर देगा, फिर नया जो पुराना बाल है वो भी गिर जाएगा, तो ट्रांसप्लांट एकदम बेकार हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते क्या, जब आप लोगों को पता चले कि मेरा बाल अभी नहीं गिरता है, यानी बोल सकते हैं आप लोग नहीं गिरता है, अभी 2 1 4 बाल गिरता, 2 1 बाल गिरता है कभी कभी, मगर बाल गिरना बंद हो गया है, मगर टकला हुआ है, यानी बोल सकते बॉल्डनेस, किसी किसी का इधर से बॉल्डनेस हो जाता है, किसी के साथ ये दो टाइप का बॉल्डनेस हो जाता है, किसी का इस तरफ बॉल्डनेस हो जाता है। तो बॉल्डनेस हो गया काफी हद तक, यानी बोल सकते ग्रेड 2 3 तक पहुंच गए, मगर हेयर फॉल का जो प्रोसेस है ये बंद हो गया। तो आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है सही रहेगा। तो आप लोग इस तरह जा सकते हैं और एक काम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, न्यू हेयर लोशन वगैरह। मगर आप लोगों का अगर पूरा बाल चला गया है तो न्यू हेयर लोशन आप लोगों को 4 5 बोतल यूज करना पड़ेगा, तभी आएगा रिजल्ट। अच्छा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें तो एकदम परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, मगर न्यू हेयर लोशन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। न्यू हेयर लोशन लगाएंगे फिर बाल आएगा, फिर आपको PRP करना पड़ेगा, फिर और एक झंझट, आप लोगों का टेंशन रहेगा। तो इसका अच्छा ट्रांसप्लांट करवा ले सकते हैं अगर आपको शेडिंग फेस बंद हो गया, यानी आप बोल सकते हैं बाल गिरना बंद हो गया अभी, तो कर सकते हैं ये सब। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।